पहले कि मैं मसूद को बुलाऊं, मैं इरम से कहूंगा कि मसूद का कुछ और मंतव्य कलाम सुने। जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बर्ड साहब ने जिक्र किया था उम्र का, सो बर्थडे बॉय की उम्र बता दी। खैर कोई बात नहीं, आपने सुना होगा कि दिल होना चाहिए था जवान उम्र जकी रखे, पर ये भी सुना होगा कि कहते हैं दिल तो बच्चा है जी। पर दिल बच्चा तभी रहता है जब आप सब खुश होना सीख लेंगे, ठीक है ना? कोशिश करेंगे, आई होप। मेरे पास खुश होने के कुछ टिप्स तरीके हैं। खुश होने के दो तरीके, एक दीनी और एक दुनियावी। इस वक्त हम दुनियावी तरीके की बात करेंगे। सो एक नज्म जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर मसूद मुनव्वर साहब की नज्म है, उन्हीं को गिफ्ट के तौर पे पेश करते हैं मिलकर। वो इस तरह कि आप सब मेरा साथ देंगे। आपने देखा होगा कैबिनेट में जब लोग क्लैप करते हैं तो टैप करते हैं टेबल्स। टेबल टैप करना मुश्किल नहीं है, करके दिखाएं, करके दिखाएं। एक काम हमें और करना है, चुटकी सबको आती है बजानी, प्लीज। आवाज नहीं आ रही, यस। अब हम इसको करेंगे रिदम में, एक बार टेबल, एक बार चुटकी, ठीक है? ट्राई करते हैं, चलें। नहीं, मेरे साथ फॉलो मी। जाले आंखों ने जो फेंका, रिदम चाहिए वरना। जाले आंखों ने जो फेंका, प्यारियां पकड़ ली गई। जाले आंखों ने जो फेंका, प्यारियां पकड़ ली गई। खूब रोयोगे दिलों की, खूब रोयोगे दिलों की, प्यारियां पकड़ ली गई। जाले आंखों ने जो फेंका, जोर चाहिए भाई, जोश। इश्क एक पागल था, खूब मैं था उनके खूब को। इश्क एक पागल था, एक पागल था, कुब में था उनके खूब को। तितलियां तोड़ गई और लड़कियां पकड़ी गई। चार आंखों ने जो फेंका, चुटकियों में जान नहीं है भाई। कम ऑन, अपने एक एक हाथ लेडीज, ये तोहफा है, गिफ्ट है, प्लीज पार्टिसिपेट विद मी। चलें, म्यूजिक नहीं है, इसी तरह साथ देना। किस्मों में हुल मचाती, बदलियां पकड़ी गई। किस्मों में हुल मचाती, बदलियां पकड़ी गई। सिमटे आंचल पर धनक के, सिमटे आंचल पर धनक के, रंग जब नाजिक हुए। लाल आंखों ने जो फेंका, वो कलाई हाथ में जब आई तो शर्माई। वो कलाई हाथ जब आई तो शर्माई बहुत। वो कलाई हाथ जब आई तो शर्माई बहुत। उस हथेली में रची तो, उस हथेली में रची तो, मेहंदियां पकड़ी गई। चाल आंखों ने जो फेंका, उसकी आंखों से मिला जब मुझको तूफान का सुरा। आंखों से मिला जब मुझको तूफान का सुरा। दिल की अलमारी में रखी, दिल की अलमारी में रखी, कांधियां पकड़ी गई। जाल आंखों ने फेंका, शहरियारों ने हमारे ख्वाब अगवा कर लिए। शहरियारों ने हमारे ख्वाब अगवा कर लिए। सुबह बेताबेर सी कुछ, सुबह बेताबेर सी कुछ, गाड़ियां पकड़ी गई। जाल आंखों ने जो फेंका, आखिरी मर गया आज़मे सफर मसूद दिल के घाट पर। मर गया आज़मे सफर मसूद दिल के घाट पर। जब सरे दरिया हमारी, जब सरे दरिया हमारी, कश्तियां पकड़ी गई। जाल आंखों ने जो फेंका, जाल आंखों
फेंका, यारियां पकड़ी गई लाल आंखों में जो फेंका, यारियां पकड़ी गई खूब रोयों के दिलों में, खूब रोयों के दिलों की यारियां पकड़ी गई लाल आंखों में जो फेंका। शुक्रिया। ये छोटा सा गिफ्ट था हम सब की तरफ से, मेरा इरादा नहीं था तरन्नुम से, लेकिन मैंने सोचा एक तोहफा हो जाए बर्थडे बॉय के लिए, और आप दिए हजारों का शुक्रिया। हम मैं एक ख़ास बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि सफ़ीर पाकिस्तान ने भी इस तकरीब में आना था, लेकिन पिछले हफ्ते उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो उसकी वजह से उन्होंने मतलब कि उनके सेक्रेटरी ने मुझे फोन, जब ये रुक के चले जाते हैं, क्योंकि मसूद को जब तनाई लेनी होती है या उजड़ा शाह मसूद में दाखिल होना होता है तो ये कोई बहाना तलाश कर लेते रुक लेगा, फिर मैं और सलीमी जाते हैं इसे मना के ले आते हैं, पता लगता है लूटा नहीं था ये तो इसे डॉन किया था। तो अभी भी हम काफ़ी पिछले साल से गायब हुए थे, तो हमने कहा इसको तलाश करना है, फिर तलाश कर लिया हमने, तो ले आए। मेरी पहली मुलाकात हुई तो लगा कि मसूद जैसे अंधों के हाथ में हाथ ही आ जाता है, जिसके हाथ में जो हिस्सा आता है वो उसी को हाथ ही समझता है। तो जब मसूद का मैं अंधा बन के सोचता हूँ तो एक पैर पकड़ता हूँ तो मुझे शायर नज़र आता है, दूसरा पैर पकड़ता हूँ पता लगता है तसव्वुफ़ का वो है, एक पैर पकड़ता हूँ पता लगता है नसर का माहिर है, एक पैर पकड़ता हूँ पता लगता है म्यूजिक को भी समझता है, सुरों से भी लगा हुआ है। फिर दूसरी तरफ देखता हूँ तो पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी, इंग्लिश, नॉर्वेजियन और दूसरी जबानों में भी ठोंदे मारता हुआ नजर आता है, मतलब माहिर तो इन जबानों का है, इसके अलावा भी स्पेनिश में से भी लफ्ज निकाल रहा होता है, फ्रेंच में से भी लफ्ज निकाल रहा होता है, उसकी खोज लगा रहा होता है कि यहाँ से निकला वहाँ से निकला वहाँ दाखिल हुआ है। तो इस सारे मतलब कि इसका एक स्टाइल है, दोस्तों के साथ सियासी तौर पे बात करें तो वहाँ पे भी आपको नजर आएगा एक ताकतवर बंदा। तो ये है मसूद मनोवर मेरे सामने, एक अंधे के सामने हाथी जिसको जहाँ से पकड़ो वही चीज़ नज़र आ रही होती है। तो ये है, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तसर तारीफ कराऊँगा मसूद का, कि मसूद जो है इस दुनिया में तशरीफ़ लाए 1944 में, मेरे ख्याल पैदा होते ही तकाजा किया होगा कि कलम और दवात दो, तख्ती दो, ऐसे लग रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद डिप्लोमा लिया अदर बेसिक एजुकेशन फ्रॉम लॉबेक लिटरेरी इंटरनेशनल सोसाइटी से रिलेटेड, और हाउ टू राइट फॉर एडोल्ट एंड न्यू रीडर्स, ये वहाँ पर उन्होंने किया। डिप्लोमा इन पैडागोगी ओस्लो से किया इन्होंने। न्यूज़ सब एडिटर रहे जनाब डेली आज़ाद के, न्यूज़ एडिटर रहे डेली हयात लाहौर के, न्यूज़ एडिटर डेली आफाक लाहौर, न्यूज़ एडिटर डेली मिलाप दहली। मसूद की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है कुछ साल जो हैं वो काबुल में गुजरे हैं, उसके बाद काबुल पे जब अताब लिया ने ज़रा प्रेशर डाला तो इनको इंडिया भेज दिया गया, तो वहाँ पे भी पढ़ाते रहे और मतलब कि एक उसमें जो है, इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान और PTV के प्रोड्यूसर रहे, पंजाबी फिल्मों के सॉन्ग्स लिखे मसूद ने, टीचिंग यहाँ पर भी आके उसमें भी टीचिंग की, फिर इंडिया में भी परूलिया उसमें टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते रहे, 25 साल ओस्लो में टीचिंग की इन्होंने। अच्छा, उसके बाद जो इन्होंने लिखा है बुक पब्लिश किया देवमाला उर्दू पोइट्री, नज़मा पंजाबी पोइट्री, कायद आज़म दी बार पंजाबी पोस्ट पोइट्री, उसके बाद सदा सब सगम उर्दू पोइट्री, देश निकाला पंजाबी, गुले हिजर की जिबोई उर्दू पोइट्री, फिर खिलत महबास उर्दू आर्टिकल्स, ट्रांसलेशन इन्होंने की है आपके लिए इब्सन का जो है डुटे यंग को ट्रांसलेट किया है जो यहाँ पे लाइब्रेरी में और सब जगह मौजूद है। अच्छा, फिर अमृता प्रीतम के दो इन्होंने उसको तर्जमा किया दूसरी मंजिल को, और पाकिस्तान एक्सप्रेस और खुशवंत सिंह उसको भी ट्रांसलेट किया है। तो मसूद की जो शख्सियत है उसके साथ आप जब बैठेंगे तो बात करेंगे तो बहुत से पहलू निकलते हैं आपको, एक फ़लसफ़ी भी नज़र आएगा, शायर भी नज़र आएगा, दोस्त भी नज़र आएगा, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला,
बाप भी नजर आएगा और मतलब लोगों के बारे में दर्द रखने वाली शख्सियत भी होगी और खाना पकाने का माहिर भी होगा। हम जब भी जाते हैं मैं और सलीमी, तो वो सलीमी का भी ख्याल रखता है, मेरा भी ख्याल रखता है, इसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है। जो चीज़ ये नहीं बनाता तो अपनी बीवी से बनवा लेते हैं। भाभी जो है वो भी माहिर है खानों की। तो मैं अब जब दावत दूंगा मसूद मनवर को और हम टाइम पे जा रहे हैं, खाना भी लगने वाला है, तो मसूद साहब आए और हमें कुछ नहीं आए। खवातीन हजरात, मेरे पास दोस्तों की मोहब्बत का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है, मैं खुद को मुफलिस महसूस कर रहा हूँ। मैं पिछले 31 बरस से आप सबके साया आतिफत में रह रहा हूँ। आपने जो मोहब्बतें मुझे दी हैं वो मेरी जिंदगी का असासा हैं। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं और ना ही मेरी मुखालफत है। मैं सबको दिली एहतराम पेश करता हूँ, आप सबका तह दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कदूरत नहीं है। मैंने खालिद सलीमी साहब से एक बार कहा था कि मैं सोशल मिसफिट हूँ, यानी मैं अरस्तू का समाजी जानवर नहीं बन सका और इसीलिए मैं हुजरा नशीन रहता हूँ, खुद से भाग जाता हूँ। मैं किसी से नहीं रूठता, लोग मुझसे रूठ जाते हैं और ये इसलिए है कि ये मेरा मुकद्दर है और मेरा मुकद्दर आप सब ने लिखा है। आप सब मेरा पाकिस्तान हैं और मैं आपसे टूट कर मोहब्बत करता हूँ। इरम ने गजलें तो आपको सुनवा दी, मैंने इन दिनों अब 50 बरस से जो कुछ लिखा वो एक बहुत बड़ा ढेर है। लोग जो हैं वो बड़े जल्दी अपना सब कुछ सामने रख देते हैं, लेकिन मेरे लिए जो है बहुत मुश्किल है। मैं देखता रहता हूँ कि ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये किसी के काम भी आएंगी या नहीं। मैंने आखिर में एक नज़्म पिछले लिखी, ये है मेरा, इसका नाम है जिंदगी नामा, वो मैं आपको सुना देता हूँ। मैं जी रहा हूँ, बड़े तयक्कुन से जी रहा हूँ। हवा के सब रंग मैं कदे में महकती सांसों के जाम भर भर के पी रहा हूँ। खला के मरकज में मेरा माबद है, शम्स आसार जर्द माबद के जिसके सातों सतून मुझ पर तने हुए हैं। मैं इन सतूनों के दरमियां फैली वसतों में तमाम जानिब सहर से अगली सहर के पहले गजर की छन तक सलात के नक्श सब्त करता हूँ। जहां से तन तक किताबे मौकूत के तताबुक में मेरे अशगाल का तायुन किया गया है। शुआए तखलीक से मुनव्वर तमाम समतों में मेरी आंखों के आईने हैं। मैं खुद सरापा बसर हूँ वल्ला, मैं गोशे असरारे लाओ इल्ला, मैं लम्हा लम्हा खुद अपना जाहिर, मैं माबदे नूर का नवागर। मगर ये क्या है वो पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कोई बताओ कि मेरा जीना कोई सियासी मुजाहरा है, कोई शराकत का शोबदा है, कोई नुमाइश का सिलसिला है, कोई दिखावे का मार्का है, मैं कोई शोबाज हूँ कि जिसके जीव कलाई हाथ में जब आई तो शर्माई, वो कलाई हाथ जब आई तो शर्माई बहुत, वो कलाई हाथ जब आई तो शर्माई बहुत। उस हथेली मेरा जी तो, उस हथेली मेरा जी तो मेहंदियां पकड़ी गई, चाल आंखों ने जो फेंका। उसकी
आंखों से मिला जब मुझको तूफान का सुराग, आंखों से मिला जब मुझको तूफान का सुराग, दिल की अलमारी में रखी, दिल की अलमारी में रखी कांधियां पकड़ी गई जाल आंखों ने खिका। शहर यारों ने हमारे ख्वाब अगवा कर लिए, शहर यारों ने हमारे ख्वाब अगवा कर लिए, सुबह बेताबीर सी कुछ, सुबह बेताबीर सी कुछ गाड़ियां पकड़ी गई जाल आंखों ने जो फेंका। आखिरी मर गया आज़मी सफर मसूद दिल के घाट पर, मर गया आज़मी सफर मसूद दिल के घाट पर, जब सरे दरिया हमारी, जब सरे दरिया हमारी कश्तियां पकड़ी गईं जाल आंखों ने जो फेंका, जाल आंखों ने जो फेंका यारियां पकड़ी गईं, जाल आंखों ने जो फेंका यारियां पकड़ी गईं। खूब रोयो के दिलों में, खूब रोयो के दिलों की चोरियां पकड़ी गईं जाल आंखों ने जो फेंका। शुक्रिया। ये छोटा सा गिफ्ट था हम सब की तरफ से, मेरा इरादा नहीं था तरन्नुम से, लेकिन मैंने सोचा एक तोहफा हो जाए बर्थडे बॉय के लिए, और आप जिए हजारों साल। शुक्रिया आलम। मैं एक ख़ास बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि सफ़ीर पाकिस्तान ने भी इस तकरीब में आना था, लेकिन पिछले हफ्ते उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो उसकी वजह से उन्होंने मतलब कि उनके सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो क्योंकि उनका ऑपरेशन चंद दिन चंद दस एक दिन पहले हुआ है तो वो आ नहीं सकते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे कि अगर उन्हें कोई बेहतरी हुई तो वो आ जाएंगे, तो इसलिए वो आज की तकरीब में शामिल नहीं हुए। दूसरा मैं अरशद भाई चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आज ये वीडियो वो बना रहे हैं। मैं ओवरसीज टीवी के जो हैं अरशद भाई चौधरी, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं मसूद को बुलाऊँ, तो मैं कुछ बातें खुद भी करना चाहता हूँ मसूद के बारे में। जब मसूद पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई, यानी आने के इसके चंद घंटे या चंद एक दिन के बाद मसूद मेरे कमरे में गार्डन होटल आए, तो 15 मिनट में हम बेहतरीन दोस्त बन गए। अब मेरे कमरे में बैठे हुए थे, मैंने कहा मैं शावर लेकर आता हूँ आप बैठें, तो मैं जब शावर लेकर वापस आया तो मसूद जो है वो आसन लगा के योगा की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब मैं सोच में पड़ गया कि बात करूं या ना करूं, ये तो अपनी खोज में लगे हुए। खैर मैं खामोशी से साइड पे बैठ के किताब पढ़ने लगे। जब उनको फारिग हुए तो फिर मजीद बातें हुई, तो पता लगा कि हमारे ये आ रहे हैं दोस्त हैं, उस वक्त से आज तक हम चले आ रहे हैं। बीच में कई वक्फे आते हैं जब ये रुक के चले जाते हैं, क्योंकि मसूद को जब तनाई लेनी होती है या उजड़ा शाह मसूद में दाखिल होना होता है तो ये कोई बहाना तलाश कर लेते लूट लेगा। फिर मैं और सलीमी जाते हैं, इसे मना के ले आते हैं, पता लगता है लूटा नहीं था ये, तो इसे डोंग किया था। तो अभी भी हम काफ़ी पिछले साल से गायब हुए थे, तो हमने कहा इसको तलाश करना है, फिर तलाश कर लिया हमने, तो ले आए। मेरी पहली मुलाकात हुई तो लगा कि मसूद जैसे अंधों के हाथ में हाथी आ जाता है, जिसके हाथ में जो हिस्सा आता है वो उसी को हाथी समझता है। तो जब मसूद का मैं अंधा बन के सोचता हूँ, तो एक पैर पकड़ता हूँ तो मुझे शायर नज़र आता है, दूसरा पैर पकड़ता हूँ पता लगता है तसव्वुफ़ का हुआ है, एक पैर पकड़ता हूँ पता लगता है नसर का माहिर है, एक पैर पकड़ता हूँ पता लगता है म्यूज़िक को भी समझता है, सुरों से भी लगाव है। फिर दूसरी तरफ देखता हूँ तो पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी, इंग्लिश, नॉर्वेजियन डोंग किया था। तो अभी भी हम काफ़ी पिछले साल से गायब हुए थे, तो हमने कहा इसको तलाश करना है, फिर तलाश कर लिया हमने, तो ले आए। मेरी पहली मुलाकात हुई तो लगा कि मसूद जैसे अंधों के हाथ में हाथी आ जाता है, जिसके हाथ में जो हिस्सा आता है वो उसी को हाथी समझता है।
तो जब मसूद का मैं अंधा बन के सोचता हूँ तो एक पैर पकड़ता हूँ तो मुझे शायर नजर आता है, दूसरा पैर पकड़ता हूँ पता लगता है तसव्वुफ का हुआ है, एक पैर पकड़ता हूँ पता लगता है नसर का माहिर है, एक पैर पकड़ता हूँ पता लगता है म्यूजिक को भी समझता है, सुरों से भी लगाव है। फिर दूसरी तरफ देखता हूँ तो पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी, इंग्लिश, नॉर्वेजियन और दूसरी जबानों में भी ठोंगे मारता हुआ नजर आता है। मतलब माहिर तो इन जबानों का है, इसके अलावा भी स्पेनिश में से भी लफ्ज निकाल रहा होता है, फ्रेंच में से भी लफ्ज निकाल रहा होता है, उसकी खोज लगा रहा होता है कि यहाँ से निकला, वहाँ से निकला, वहाँ दाखिल हुआ है। तो इस सारे मतलब कि इसका एक स्टाइल है, दोस्तों के साथ सियासी तौर पर बात करें तो वहाँ पर भी आपको नजर आएगा एक ताकतवर बंदा। तो यह है मसूद मनोहर, मेरे सामने एक अंधे के सामने हाथी जिसको जहाँ से पकड़ो हुई चीज़ नज़र आ रही होती है। तो ये है, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ कराऊंगा मसूद का कि मसूद जो है इस दुनिया में तशरीफ लाए 1944 में। मेरे ख्याल पैदा होते ही तकाजा किया होगा कि कलम और दवात दो, तख्ती दो, ऐसे लग रहा है। लेकिन ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद डिप्लोमा लिया अडर बेसिक एजुकेशन फ्रॉम लॉबेक लिटरेरी इंटरनेशनल सोसाइटी से रिलेटेड और हाउ टू राइट फॉर एडोल्ट एंड न्यू रीडर्स, ये वहाँ पर उन्होंने वो किया। डिप्लोमा इन पैडागोगी ओस्लो से किया है उन्होंने। न्यूज़ सब एडिटर रहे जनाब डेली आज़ाद के, न्यूज़ एडिटर रहे डेली हयात लाहौर के, न्यूज़ एडिटर डेली आफाक लाहौर, न्यूज़ एडिटर डेली मिलाप दहली। मसूद की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है कुछ साल जो हैं वो काबुल में गुजरे, उसके बाद काबुल पे जब अताब जिया ने ज़रा प्रेशर डाला तो इनको इंडिया भेज दिया गया, तो वहाँ पे भी पढ़ाते रहे और मतलब कि एक उसमें जो है, इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी के प्रोड्यूसर रहे, पंजाबी फिल्मों के सॉन्ग्स लिखे मसूद ने, टीचिंग यहाँ पर भी आके उसमें भी टीचिंग की, फिर इंडिया में भी रूलिया उसमें टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते रहे, 25 साल ओस्लो में टीचिंग की इन्होंने। अच्छा, उसके बाद जो इन्होंने लिखा है बुक पब्लिश किया देवमाला उर्दू पोइट्री, नज़मा पंजाबी पोइट्री, कायदे आज़म दी वार पंजाबी पोस्ट पोइट्री, उसके बाद सदा सब सगम उर्दू पोइट्री, देश निकाला पंजाबी, गुले हिजर की जिबाई उर्दू पोइट्री, फिर खिलत महबास उर्दू आर्टिकल्स, ट्रांसलेशन इन्होंने की है आपकी ये इब्सन का जो है डुटे हमको ट्रांसलेट किया है जो यहाँ पे लाइब्रेरी में और सब जगह मौजूद है। अच्छा, फिर अमृता प्रीतम के दो इन्होंने उसको तर्जमा किया दूसरी मंजिल को, और पाकिस्तान एक्सप्रेस और खशवत सिंह उसको भी ट्रांसलेट किया है। तो मसूद की जो शख्सियत है इसके साथ आप जब बैठेंगे तो बात करेंगे तो बहुत से पहलू निकलते हैं आपको, एक फलसफी भी नज़र आएगा, शायर भी नज़र आएगा, दोस्त भी नज़र आएगा, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, बाप भी नज़र आएगा, और मतलब लोगों के बारे में दर्द रखने वाली शख्सियत भी होगी, और खाना पकाने का माहिर भी होगा। हम जब भी जाते हैं मैं और सलीमी तो वो सलीमी का भी ख्याल रखता है, मेरा भी ख्याल रखता है, इसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है, जो चीज़ ये नहीं बनाता तो अपनी बीवी से बनवा लेता है, भाभी जो है वो भी माहिर है खानों की। तो मैं अब जब दावत दूंगा मसूद मनोहर को, और हम टाइम पे जा रहे हैं, खाना भी लगने वाला है, तो मसूद साहब आए और हमें कुछ नहीं हजरात, मेरे पास दोस्तों की मोहब्बत का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है, मैं खुद को मुफलिस महसूस कर रहा हूँ। मैं पिछले 31 बरस से आप सबके साये आतिफत में रह रहा हूँ, आपने जो मोहब्बतें मुझे दी हैं वो मेरी जिंदगी का असासा हैं,
मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं और ना ही मेरी मुखालफत है। मैं सबको दिली एहतराम पेश करता हूँ, आप सबका तह दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कदूरत नहीं है। मैंने खालिद सलीमी साहब से एक बार कहा था कि मैं सोशल मिसफिट हूँ, यानी मैं अरस्तू का समाजी जानवर नहीं बन सका और इसीलिए मैं हुजरा नशीन रहता हूँ, खुद से भाग जाता हूँ। मैं किसी से नहीं रूठता, लोग मुझसे रूठ जाते हैं और ये इसलिए है कि ये मेरा मुकद्दर है और मेरा मुकद्दर आप सब ने लिखा है। आप सब मेरा पाकिस्तान है और मैं आपसे टूट कर मोहब्बत करता हूँ। आपने इरम ने गजलें तो आपको सुनवा दी। मैंने इन दिनों अब 50 बरस से जो कुछ लिखा वो एक बहुत बड़ा ढेर है। लोग जो है वो बड़ी जल्दी अपना सब कुछ सामने रख देते हैं, लेकिन मेरे लिए जो है बहुत मुश्किल है। मैं देखता रहता हूँ कि ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये किसी के काम भी आएंगी या नहीं। मैंने आखिर में एक नज़्म लिखी, ये है मेरा, इसका नाम है जिंदगी नामा, वो मैं आपको सुना देता हूँ। मैं जी रहा हूँ बड़े तयक्कुन से जी रहा हूँ, हवा के सब रंग मैं कदे में महकती सांसों के जाम भर भर के पी रहा हूँ। खला के मरकज में मेरा माबद है शम्स आसार जर्द माबद के, जिसके सातों सतून मुझ पर तने हुए हैं। मैं इन सतूनों के दरमियां फैली उसतों में तमाम जानिब सहर से अगली सहर के पहले गजर की छन तक सलात के नक्श सब्त करता हूँ। जहां से तन तक किताबे मौकूत के तताबुक में मेरे अशगाल का तायुन किया गया है। शुआए तखलीक से मुनव्वर तमाम समतों में मेरी आंखों के आईने हैं। मैं खुद सरापा बसर हूँ वल्ला, मैं गोशे असरारे लाओ इल्ला, मैं लम्हा लम्हा खुद अपना जाहिर, मैं माबदे नूर का नवागर। मगर ये क्या है वो पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कोई बताओ कि मेरा जीना कोई सियासी मुजाहिरा है, कोई शराकत का शोबदा है, कोई नुमाइश का सिलसिला है, कोई दिखावे का मार्का है। मैं कोई शोबाज हूँ कि जिसके जीव के जिसके निजी से जीवन को मीडिया का खुला तमाशा बनाया जाए, वो मेरे बारे में जो भी सोचे ये उनका अपना मामला है, ये उनकी तफहीम है, रजा है। मगर मेरी जिंदगी मेरी है जो खल्क की आंख से छुपी है। मैं यूं हूं जैसे कहीं नहीं हूं, मैं सहल आसान और सादा बहुत अमूमी सा आदमी हूं कि जिसका ईमान आजजी है। एक नज्म आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ये मेरी पहली किताब 1975 में छपी थी, देवमाला, उसकी नज्म है लोहे महफूज। वो कहते हैं कि जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला ने एक लोहे महफूज पर लिख रखा है, तो मैं वहां से कुछ लेके आया हूँ चुरा के। हवा का रंगीन सर का रामा दरे बसारत पे बीती खुशबू छिड़क रहा है। मेरे लहू में निजा की कोयल के जर्द पंजे गड़े हुए हैं। सहर का तारा हरन के दिल की तरह बराबर धड़क रहा है। मैं राजपूतों के घर का बुझता चिराग दरिया में जल रहा हूँ। मेरा कबूतर हरी मुढ़ेरों पे तीर खाकर फड़क रहा है। हवा सलीके से अपने जख्मों को चाटती हो तो मैं सुनाऊं, मैं पांच दरियाओं के अंधेरे में आखिरी शम्मा रख रहा हूं। ये शम्मा बेनूर बेनवा है कि इसका शोला समंदरों के कदीम कमरों में गुम हुआ है। मैं इसका शोला तलाश करने पे एक सूरज की आग दूंगा। किनारे रावी के गोता खोरो, अगर हिलाकत की आरजू हो तो अपनी तकदीर आजमाओ, मैं एक सूरज की आग दूंगा। बरहना सूरज की आग, तुम लोग मुझको हैरत से तक रहे हो तो सोचते हो ये शख्स क्या है।
सुनो मैं पिछली रिसालतों का गवाह बनकर कभी आवारा आहुओं का खिराम होगा वहीं मिलूंगा जहां दरख्तों में की रहनुमाई में सब्ज कालीन बिछ रहे हो वहीं पे मुझको तलाश करना जहां किताबों के तस्करे हो तो मैं भी हूंगा जहां भी बागी फकीर मिलकर धमाल नाचे वहीं पे मेरा जहूर होगा। इनाई शामों को आबे आतश की बिजलियों से जलाने वाला मैं गाने वाला अजीब ताने उड़ाने वाला तुम्हें खबर ही कहाँ है लोगों कि मैंने साइंस को कितनी दौलत का मालिक कुल बना दिया है तमाम हर्फों को मैंने कौसों कुजा के मकतब में याद करके नए करीनों से कितनी शरहों के रेशमी जायके दिए हैं तमाम हर्फों के जायके हैं अलिफ में एक चीख की सी तलखी है याए में मौत का सा मीठा जो दरमियान के हरूफ बाकी हैं उनमें नीलाहटों का रस है हर एक के जायके की तफसीर कर तो दूं पर न कर सकूंगा ये मेरी तखलीक की खता है जिसे मैं अपनी लहद की छत पाटने की खातिर बचा रहा हूँ ये हर्फ पर हैं जिन्हें पहनकर फरिश्ते उड़ते हैं इन परों पर बुलंदियों के निशान मिलेंगे मैं उजड़े घर के खबीस वैशी से छुप छुपा कर गए दिनों से इन्हीं परों की नजीब परवाज सुन रहा हूँ वो कह रहे हैं तेरे घराने की सारी इमलाक सब्ज बंगले में रहने वाले नए यहूदी ने छीन ली हैं मुझे फरागत नहीं कि मैं अब कभी तमव्वुल की दुख्तरे लाला रुख से शादी रचाने जाऊं न कोई फनकार मेरे खून से जमीन पे बच्चों के नाम लिखे ये मेरी बातें थी अब घड़ी भर तेरे मुकद्दर की बात होगी सुना है मैंने म्यूजियम की बड़ी ड्योढ़ी में एक कतबा लगा हुआ है लिखा है जो पीछे मुड़ के देखे वो पत्थरों का असीर होगा किनारे दरिया की गोरी परियां बुलाए भी तो सदा न देना शिकस्ता दीवार भी पुकारे तो रुक न जाना कदम कदम का सफर बहुत है वो एक उम्मत गुजर चुकी है अब और उम्मत को रास्ता दो पुराने पत्थर की मूर्ति बुद्ध का बुद्ध करिश्मा की बंद आंखें ये कोना आसार सिर्फ सयाह लोग रगबत से देखते हैं मुसाफिरों ने भी सुन रखा है कि जब कभी नैनवा को दजला का सांप डस ले तो यादगारों को जमा कर लो सुफेद बुंदे सियाह नेजे पुरानी नज़में कदीम किस्से दरीदा तहजीब के मनाजिर लुटी हुई सातों के जेवर ये सारे मतरूक ऐब नामे हैं जिन पे शायर न रो सकेंगे यहाँ से जितने भी अजनबी कारवां समंदर की समत जाए उन्हें बताना नगर के खाली मकान अपने मकीन खोकर तड़प रहे हैं सुराहियों की शराब होंठों की लाल काशों को ढूंढती है ये मुल्क रो रो के पूछता है वो मेरे शहरों में रहने वाले वो मेरे रोशन जमीर मुझसे बिछड़ के किस समत खो गए हैं बुलाओ उनको वो मेरी 62 बरस की तारीख लेके आखिर कहाँ गए हैं मुझे मेरे दोहरे बदन की पुरानी तस्वीर तो दिखाओ मुझे जिया के तमाम लम्हों का दुख सुनाओ मैं मर चुका हूँ जो मर गया हो उसे कफन दे के बैन करना खता नहीं है यही करो तुम मैं दफन होकर सफेद ऊंटों के काले ताउन से लड़ूंगा तो एक मैयत का रक्स कितना मुहिब होगा मुझे ये चस्का था मैंने दुश्मन तलाश करने में दिन गुजारे मुझे अंधेरों में तीर खाने की लत पड़ी थी ये उन जमानों की बात है जब हमारे मैदान अमन उल्फत से आशना थे हमारे बाजार में करप्शन की काली खांसी का नाम कोई न जानता था अभी न अलकायदा की रुत्ती न बर्बरियत की आंधियां ही कहीं उठी थी न तोरा बोरा के जादूगर ने फसाद की डुबडुबी बजाकर सफेद पैलेस के भूत की जय ही बोली ये तस्करों में लिखा हुआ है ग्वांतानामो बे के जिंदा में कोई आहू नहीं था तब तक वो खाब की सल्तनत थी लारैब
बस्तियों में अजब चमक थी, मैं उस चमक के समंदरों में सुनहरी मछली बना हुआ था। मेरे इरादों में मेरा इजहार सुबह जन्नत की आरजू था, मगर सियासत के टिड्डी दल ने मेरे गुलाबों के बागचों को उजाड़ डाला। हवा में नफरत के नखल बोए, जमीन पे दहशत के नक्श लिखे, ये लीडरों की कबील चूहों का शोबदा बाज ताइफा है। ये डिप्लोमेसी के गंदे जौहर की आदशी जौंक का घराना, मैं थूकता हूँ जजाम की पोट लीडरों की कमाइयों पर, मैं अपने रोपाओं में रौंदता हूँ हराम खोरी के केकड़ों को। सुफैल शैतान, तेरे करतूत देख कर कितना गमजदा हूँ, तेरी हया सोजियों पे सदियों से रो रहा हूँ। मेरे गले में पिघलती सांसों का उस्तखानी अजाब मेखे जब हो रहा है, मैं फेफड़ों के हवा घरों में बुखार बनकर उबल रहा हूँ, मैं अपने पिंडे के मैले आतिशकदे में ईंधन बना हुआ हूँ। दहकते शोलों ने सर के बालों में अपना रास्ता बना लिया है, मैं मिट रहा हूँ, मैं ढह रहा हूँ। मेरे बदन की हर एक दीवार झोंका झोंका खिसक रही है, मैं अपने कुर्ते में एक कलाओं की शोख तिमसाल बन गया हूँ। मेरी अजियत, मेरी भयानक सजा, मुझे फकत सांस की इजाजत मिले खुदारा, फटी हुई जिल्द आजमाइश की मक्खियों से अटी हुई है। मैं चीखता हूँ तो मेरी तकलीफ रेजे रेजे के रूप मिट्टी में मिल रही है, मैं एक भूसे का ढेर बनता चला गया हूँ। अब एक फायर, बस एक गोली मुझे रिहाई की कब्र देगी, सफेद कागज की कब्र। ये कब्र कब से कफन फरोशों की आरजू में जड़ी हुई है, मैं तख्ते ताउस को गवा कर पुराने चोरों को देखता हूँ, मैं सोमनाथी की वाड़ खोकर पहाड़ी दर्रों में झांकता हूँ। इधर भी बैरी उधर भी बैरी, गदागरों मेरी लाश की हड्डियां भी बांटो। पुराने कज्जाक अपने आबा को जुल न देंगे, पलीद कुत्तों को हड्डियों की फरोख्त से सीमो जर मिलेगा। सुनहरी बहरूपियों की मंडली गरीब भेड़ों के रेवड़ों का खुदा बनी है, मैं इस खुदा के वजूद नापाक से लड़ूंगा तो क्या लड़ूंगा, कि मेरे जेवर फरोख्त करके ये भेड़िये बादशाह बने हैं। मैं बूढ़ा बीमार बिक चुका हूँ, मेरा बदन आशिक के दावों से गल गया। ये पाकिस्तान मरकज वेलफेयर यूनियन की तरफ से मसरूफ को फूल जनाब अली जाफर जैदी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आप और मसूद मुनव्वर को पाकिस्तान फैमिली नेटवर्क की तरफ से शील पेश करें। अब मैं जनाब ओस्लो मोहल्ला के डायरेक्टर खालिद सलीमी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और मसूद मुनव्वर को फूल पेश करें पाकिस्तान फैमिली नेटवर्क। जवाब तो केक क्यों लेके आए? कौन याद है और मेरे चलने इस आदमी को मैंने 40 साल पहले लाहौर में देखा था और आज फिर देख रहा हूँ दोबारा।